Myself, Sangeeta Mehta, you are watching my channel, my English magazine, Verbs. Today, I explain to you verbs, modal verbs. Have to, has to, have to, has to. First of all, I give the meaning. मैं meaning समझाना चाहती हूँ इन दो words का. Have to, has to. हिंदी में करना है या करना पड़ता है. ओके क्लियर. हैव टू या हैज टू को सेंटेंस में करना पड़ता है, ऐसे मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. हैव टू या हैड टू को सेंटेंस में प्रयोग करते समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है. हैज टू का प्रयोग थर्ड फॉर्म यानी हैज टू यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन. हैव टू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. मीन्स क्लियर कर दूँ मैं आपको. हैज टू जो है उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. अब सिंगुलर कौन से हुए, ही शी इट दैट दिस. ओके एंड हैव टू का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन को छोड़कर. मीन्स हम थर्ड पर्सन के साथ नहीं करेंगे, बाकी सभी पर्सन के साथ और कर्ता के साथ. ओके एक वन एग्जांपल आई गिव टू यू. मुझे अब मैं आपको समझाऊंगी विल हैव टू करना ही होगा या पड़ेगा. विल हैव टू अब इस सेंटेंस इस वर्ड का विल हैव टू इट इज ऑल्सो है मॉडल वर्ब. विल हैव टू को सेंटेंस में करना ही होगा या करना ही पड़ेगा. इस मीनिंग के साथ यूज किया जाता है विल हैव टू को सेंटेंस में. जब हम यूज करते हैं तब जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म ये याद रखना आपने, विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ओके और सेंटेंस में जो हिंदी में आपको उसका मीनिंग है वो होगा करना ही होगा या पड़ेगा. विल हैव टू को सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. अब मैं इसके लिए एग्जांपल दे रही हूँ. राजेश को घर जाना पड़ेगा. राजेश विल हैव टू गो होम. तुझे आज आना ही पड़ेगा. यू हैव टू कम टुडे. देखो इस सेंटेंस में तुझे आज आना ही पड़ेगा. You have to come today. उसे समय पर स्कूल जाना पड़ेगा. He will to go to school on time. Clear? तीन बातों का आपने ध्यान रखना है जहाँ पे आपको हिंदी में करना ही होगा या पड़ेगा ये मीनिंग आता है. आपने will have to को यूज़ करना है. जब आप यूज़ करेंगे तो आपने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और जब आप विल हैव टू को यूज़ करेंगे तो सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ यानी मींस पर्सन के साथ आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हैड टू. अब इसका मीनिंग